नमस्ते बहन। नमस्ते। आज आप अकेली आई हुई? आपका बेटा और पति नहीं आए? आज का दिन बहुत अच्छा है, अगर वो आते तो बहुत अच्छा होता। पुजारी जी, आपको तो सब कुछ पता है, फिर भी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो पार्टी और दोस्तों में इतने बिजी रहते हैं कि घर में आने के लिए उनको टाइम ही नहीं मिलता। वो यहाँ आएंगे? भगवान ने हमको बहुत पैसा दिया है, लेकिन उसको संभालने के लिए सद्बुद्धि नहीं दी है। अगर भगवान सद्बुद्धि दे तो मैं रोज उनकी पूजा करूं। आप चिंता मत कीजिए बहन जी, आगे सब ठीक हो जाएगा। मैंने दोनों की कुंडली देखी है, ग्रह नक्षत्र बदलेंगे बहन जी, सब ठीक हो जाएगा। पूजा कर लीजिए, मंगल आरती का समय हो रहा है, आइए। अच्छा। नमस्कार, बड़े मालिक को मेरा प्रणाम। हाँ, यहाँ का सारा एस्टेब्लिशमेंट सिस्टम हम लोग संभाल रहे हैं, और उसकी एंट्री लेने वाले आप हैं। आप यहाँ के बारे में कोई टेंशन मत लो, आपकी पार्टी के आदमी को जिताना मेरा काम है। पैसे के मामले में कोई पावर नहीं चलेगा। कावेरी नदी में डैम लगाऊंगा तो उसमें से पानी बाहर नहीं बहेगा, सिर्फ वोट बहेगा। वोट हमको मिलेगा, 20 करोड़ में से 20 सीट मिलेगा। कोई हमको हिला सकता है क्या? और आपको क्या चाहिए? हेलो, गुड मॉर्निंग साइमन, हाउ आर यू? अबाउट वोट? Don't worry, pal. I'll be there in London next Saturday, okay? You deal with that company. You buy all the shares. You buy all the shares, okay? Bye. Hello? Oh, Rita. How many times I have to tell you? Look, Chandrama aane mein abhi bhi waqt hai. Surya abhi tak apni roshni de raha hai. Main kamana chahta hoon. Kya pata kal ho na ho? Look, don't disturb me, okay? Don't disturb me. Hello? Mr. Ashok Narayan. Bolo, bolo. Kanun kya hai? Bakwas hai. Jo hame kachra samajh kar saaf karega? Galti hui hai na? Galti hoti hai. Galti ho gayi to kya karega? Bahar nikal dega. Ek medal milega na? Aap bolo to main aapko medal banane ki factory bana ke dun? Khiladiyon ki tarah apne shareer mein medal latka kar apna julus nikalna. ए अशोक नारायण, तुम इस तरह जिद करोगे तो कैसे डील होगा? हाँ, ये क्राइम एक्सीडेंट कहकर कैसी बातें कर रहे हो? मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करो। सुनो,
खुद भी जियो और मुझे भी चैन से जीने दो। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अब ध्यान से सुनो, चुपचाप मेरे ऑफिस में आकर पैसे लेकर जाओ। थैंक यू वेरी मच। ये सब क्या है? सर बिल सर। व्हाट्स ऑल दिस? सर होटलों के बिल है सर। दैट्स ऑल राइट। रामचंद्रबन, महालक्ष्मी लैब, शीशोर पॉइंट, श्रीराम श्रीराम, माय गॉडनेस व्हाट इज ही डूइंग इन नॉनसेंस प्लेसेस। हम लोग यहाँ इतने रेस्पेक्टेबली जी रहे हैं ऊंचे स्टेटस के साथ, हाँ? ये वहाँ क्यों जाता है? राहुल राहुल, शुभ दिन, प्रसाद लीजिए। जानू, एक छोटा सा वर्ड गुड मॉर्निंग नहीं बोल सकती? ये शुभ उदय क्या है? ये सारे वर्ड्स बोलकर तुम मेरी डिक्शनरी खराब कर देती हो। इसे तुम प्रसाद कहती हो? रात को फॉरेन में इसे चूहे बिल्ली खाते हैं। वो जो छोड़ देते हैं, हम उसे बड़े प्यार से खाते हैं। पता नहीं ये किस पानी से बना है। तुमसे तो तुम्हारे हेल्थ का जरा सा भी ध्यान नहीं रखा जाता। राहुल किधर है? राहुल राहुल, ये सुबह सुबह उठकर कहाँ चला गया? रात को घर आया हो तो सुबह उठकर जाएगा ना, जैसा बाप वैसा बेटा। बच्चों को इसी तरह हमेशा बढ़ते रहने देना चाहिए। तुम्हारे जैसा बड़ा होकर उसे क्या किसी की डिलीवरी देनी है? वो जो है एक मर्द है, नाइट शिफ्ट में अपने दोस्तों के साथ होगा, अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ कलरफुल नाइट एंजॉय कर रहा होगा। आई लाइक इट, मेरा बेटा बहुत लकी है। ओहो, माँ बाप को सुख देने वाला बेटा खुश रहे ना रहे उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? ओहो कम ऑन जानू, उसे फ्रीडम बहुत पसंद है। कल को अगर कोई ऊंच नीच हो जाए और हमें अग्नि प्रवेश करना पड़ जाए फिर उसकी देखभाल कौन करेगा? कुछ नहीं होगा जानू। वो कौन है पता है? ये रामचंद्र पटेल का एक लौता बेटा, वो लखपति बाप का एक लौता वारिस है। अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो आई डोंट केयर। मेरे दुश्मन अगर मुझे मार भी दे तो मैं उसे तकलीफ नहीं उठाने दूंगा। मैं दुनिया की हर खुशी लाकर उसके कदमों में निछावर कर दूंगा, उसकी गुलामी करूंगा। तुम्हें मेरे पावर के बारे में मालूम नहीं है, जस्ट वॉच। हाय गर्ल्स, मैं तुम लोगों के लिए पेप्सी लाने गया और तुम लोग मुझसे भाग रहे हो, ये न्याय नहीं है। नॉट फेयर नॉट फेयर, लेट्स बी फ्रेंड्स, पेप्सी इज सेक्सी हैबिट। हेलो गाइस, डोंट ब्रेक हार्ट, टेक ठंडा, ठंडा मतलब कोका कोला। ए मुंडिया, हम तो इसी के बहाने आए हुए हैं, कैच इट। ए लगन है इनकी लगन, लगता है पहले ये लोग क्रिकेट खेलते थे, लगता है ये लोग क्रिकेट में सब कुछ हार गए इसलिए ये लोग अब कबड्डी खेलते हैं। अरे यार इन लोगों का कोई मैच वैच लगता है, इन लोगों को प्रैक्टिस करने दो यार। ओके बॉयज, अब मैं पंचेस देकर इनके बैलेंस को थोड़ा सा बिगाड़ना चाहता हूँ, क्या कहते हो दोस्तों? ये ठंडा ठंडा पानी, ये दिल मांगे मोर। ओके कम ऑन बेबी, लेट्स हैव सम फन, लेट्स सी देम। हे, ये लोग तुम्हारी माँ बहन है या तुम्हारी बीवी है, समझ के रखा है? ए डब्बा, ये कौन सी संस्कृति है तुम्हारी? ए उधर दे। ए रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद, तेरे माँ बाप ने तमीज नहीं सिखाई? क्या तुम्हारे शहर में यही संस्कृति होती है? हमारी यहाँ की संस्कृति यह है कि हम अपने माँ बाप की इज्जत करना जानते हैं, बहन भाई की इज्जत करना जानते हैं, लड़कियों को अच्छी नजर से देखते हैं, गुरु की इज्जत करते हैं, जाति पे विश्वास नहीं करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। और तुम लोगों के यहाँ पे खड़े हो, चुपचाप यहाँ से जगह खाली करो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, बता रहा हूँ, निकलो यहाँ से। हे बहुत सुन ली तुम लोगों की बदतमीजी, बहुत बर्दाश्त कर लिया, कम ऑन हच बेबी। Hey!
पटेल अंकल सुनिए। ए, कौन इधर गुंडागर्दी कर रहा है? ताकत है तो मेरे सामने आओ। रहते हो झोपड़े में, पीते हो गंजी, दम है तो एक एक करके मेरे सामने आओ। ए, एक एक को बताता हूँ तुम लोगों में से किसने उसे हाथ लगाया। ए, मेरे बेटे को किसने मारा है? तुमने मारा? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, अपनी बेटी के बारे में या बेटे के बारे में? What do you mean? अगर वो लड़की होती तो मैं उसकी पप्पी ले लेता और मैं उसके आगे पीछे घूमता, उसको पकड़ के मैं अच्छी तरह से उसकी पप्पी ले लेता। लेकिन जब गौर से देखा तो वो लड़का निकला, इसलिए मैंने उसे एक पंच मार दिया। hey, वो किसका बेटा है मालूम है? वो मेरा बेटा है, आरसी पटेल का बेटा है, रॉयल चैलेंज पटेल का बेटा। अरे रे रे, कितनी बार बोलेगा वो मेरा बेटा है, इसका तुम्हें डाउट है क्या? अरे यार, इन बड़े लोगों के बेटे रात कहाँ बिताते हैं खुद पता नहीं रहता है, जब रोड पर पड़े मिलते हैं तो कहने लगते हैं मेरा बेटा। आज तक मुझे किसी ने चैलेंज नहीं किया और जिसने किया वो जिंदा नहीं बचा। जस्ट 5 मिनट्स, मैं तुम लोगों को यहाँ से निकाल सकता हूँ, ये जगह खाली करवा सकता हूँ। मैं तुम सब लोगों को जेल के सलाखे के पीछे रख सकता हूँ। ए, बाघ को मारने वाले विशाल बसंत के लोग हैं हम लोग। ए चने, तेरे जैसे कुत्ते से डरेंगे क्या? हटट हुरहुर। इसीलिए कहता हूँ, ब्रिटिश लोग अगर 10 साल और रह जाते ना और तुम लोगों को जूते से मारते तब पता चलता तुम्हें। तभी तो वो लोग जो छोड़कर चले गए उससे चाटते रहते हो तुम लोग, नहीं तो हमारा हिंदी भाषा रास्ते में नहीं आता। तुम लोग अपनी माँ के पेट से पैदा होकर लोगों का दिमाग खराब करना कहाँ से सीखा है? ए, चुप कर, हम लोग एक ही इलाके के हैं इसलिए तुम्हें छोड़ रहे हैं। ज्यादा नाटक करेगा तो तुम्हारा पैंट शर्ट उतार कर तुम्हारा इलाज करेंगे। वो और उसके दोस्त तो हमसे मार खाकर चले गए और ये आया है हमें धमकाने, हमारी जमीन खाली करवाएगा। ए, हिम्मत है तो जमीन खाली करवा के दिखा, खाली करवा के दिखा। चैलेंज कर रहा है मेरे को, रॉयल चैलेंज को चैलेंज कर रहा है। तुम्हारे अहंकार को 2 मिनट में खत्म करता हूँ, देखता हूँ तुम्हें बचाने के लिए कौन आता है। हेलो दीक्षित, सीतारामपुर पुलिस स्टेशन का ओसी कौन है? झांसी। व्हाट? ए, वो झांसी की रानी नहीं लेकिन झांसी की रानी की पोती है, समझ गए तुम? माय फुट। मैडम, आप ये क्यों राइड कर रही हैं? बॉस को पता चलेगा तो आपको ब्लैक कर देगा वो, मैं बता रहा हूँ आपको। ए, हम लोग बीई कॉलेज के स्टूडेंट हैं, अगर हमें पकड़ोगे तो हम स्ट्राइक कर देंगे। लीवस। एक मर्द इधर रेड करने के लिए 10 बार सोचता है और तुम एक औरत होकर इस क्लब में रेड डालने के लिए आ गई हो। यहाँ बड़े बड़े लोग आकर जाते हैं और तुम्हारे जैसे लेडी इंस्पेक्टर को आना ही नहीं चाहिए। ए, इस नाजुक कली को XXX का वो लाकर इसको दो। ए, अबे कौन है रे तू? मैं बताती हूँ कौन हूँ मैं, झांसी। अन्याय को चूर चूर करके उसे मोती बनाकर अपने गले में पहनने वाली जख्मी शेरनी हूँ, झांसी। पहनने के लिए कोई मैसूर का फूल नहीं मिला ऐसा मेरे पास कंप्लेन आया है, इसलिए मैं उसे पहनने के लिए यहाँ पर आई। फूल सूंघने के लिए यहाँ हम हैं, तुमने यहाँ पर आकर गलती की। अब यहाँ पर आई गई हो तो कपड़े उतार कर हमारी ख्वाहिश पूरी करो, नहीं तो बाहर जो भूखे भेड़िए खड़े हैं वो तुम्हारे कपड़े उतारेंगे। देखते हैं, सरकार का कपड़ा मजबूत है या तेरा। Hey, कैमरा चालू रखो, आज का दिन तुझे हमेशा याद रहेगा। Hey!
होकर तुम लोगों को इस तरह का धंधा करते शर्म नहीं आती? I'm sorry मैडम, इस बार हमें छोड़ दो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। सिर्फ तुम्हारे सॉरी कह देने से तुम लोगों की खोई हुई इज्जत वापस आ जाएगी? बोलो, सत्य सावित्री बन जाओगी? कौन है तुम लोग के माँ बाप? किस तरह के माँ बाप है आप लोग? सीता सावित्री महासती का व्रत करते हैं, इस तरह की संस्कृति होने के बावजूद भी आप लोग इस तरह की परवरिश करते हैं? रोज शाम को मंदिर में जाकर भजन कीर्तन करते हैं आप लोग, और इस तरह के बच्चे पैदा करते हैं? रेड में पकड़ी गई ये मोहिनी, आपने महाभारत पढ़ा होगा ना, देखा होगा ना? आप अपनी इस लाडली बेटी के जिस्म पर सिगरेट के घाव तो देखिए, आपको दुशासन के सीन याद आ जाएंगे। आप ऑफिस के बाद क्लब जाते और ये पब, आप रमी खेलते हो ये अंडर बॉल, आप सिगरेट पीते हो ये धुआं छोड़ती है। लड़की पैदा करने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, ये दिया जला रही है या आग लगा रही है ये सब देखना क्या आप लोगों का काम नहीं है? बताइए, इसकी गलती नहीं आपकी भी, आपकी भी है। जब आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं तो इसको कहां से होगा? वो मिनिस्टर ऐसा है, सरकार ऐसी है, वो हीरो ऐसा है, वो हीरोइन ऐसे, इंडिया और फॉरेन के बारे में आप लोग कमेंट्स करते रहते हैं मगर अपने घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसका पता नहीं रखते? क्लब और पार्टी में जाकर टाइम वेस्ट करने के बजाय इसे क्या चाहिए ये नहीं पूछ सकते आप लोग? लाइफ में इसे क्या करना है पूछिए, आपके घर की इज्जत है ये, बेटी है आप लोगों की। बेटी घर की इज्जत होती है इसलिए मैं इसे छोड़े दे रही हूँ, दोबारा अगर ये ऐसी हालत में मुझे मिली तो देख लूंगी। अनीता, यस मैडम, फोटो निकाल के कंप्लेंट बुक पे इनका साइन लो। यस मैडम, एफआईआर रेडी करो मैडम। यस, कौन है आप? आरसी पटेल। सो आपका कोई टाइम टेबल है कि नहीं? आई एम वेटिंग हियर फ्रॉम लास्ट 4 आवर्स। आप कोई लवर हो, अपराधी हो, बाप हो, भाई हो, कोई फर्क नहीं, केस का कंप्लेंट लिखवा कर जाइए, अटेंड कर लूंगी। वेट करने के लिए किसने कहा? आई एम आरसी पटेल। अनीता, हाँ, एक चाय ऑर्डर करो, मेरा सर दर्द कर रहा है। लुक मिस झांसी, मैंने कहा मैं आरसी पटेल हूँ। अब बता दिया ना, आगे बोलो क्या बात है। आई एम आरसी पटेल, रॉयल चैलेंज पटेल, VVIP। यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, यू आर नॉट रेस्पेक्टिंग मी, यू वेस्टेड माय 4 आवर्स प्रेस्टीजियस टाइम। ये आपकी प्रॉब्लम है, इस तरह चिल्लाने की क्या बात है? ऑफिसर, मेरे बेटे राहुल को सीतारामपुर के लड़कों लोगों ने मारा, उन सभी लड़के लोगों को उस गांव से अभी के अभी निकलना चाहिए और जेल में बंद होना चाहिए, ये काम आप करेंगी, दैट्स ऑल। हेलो, जब तक रिटन कंप्लेंट नहीं देंगे मैं कोई एक्शन नहीं लूंगी। व्हाट? रिटन कंप्लेंट? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मैं VVIP आरसी पटेल बोल रहा हूँ। VIP, VVIP, राष्ट्रपति, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, सबको यहाँ पर कंप्लेंट लिखवानी पड़ेगी। ये पुलिस स्टेशन है, किसी डिजाइनर का फैशन शो नहीं। लॉ एंड ऑर्डर मानना सीखो, खाकी वर्दी वालों को ठीक से इज्जत देना सीखो, अंडरस्टैंड? यू डोंट नो मी। यू डोंट नो मी ऑल्सो। यू विल पे फॉर दिस। गवर्नमेंट को भले ही रिश्वत दी जा सकती है लेकिन गवर्नमेंट किसी को रिश्वत नहीं देती। यू नो हु आई एम वेरी सून, अंडरस्टैंड? मैडम, वो बहुत पावरफुल आदमी है और बहुत डेंजरस भी। एक बात जान लो, पुलिस से ज्यादा पावरफुल और डेंजरस कोई नहीं। डस्टबिन में फेंक दो। मानती हूं कि तुम लोग एक औरत की इज्जत बचाना चाहते थे, क्या तुम लोगों के पास उसे बचाने की ताकत है? जिस मिट्टी में पैदा हुए उस मिट्टी को खराब करने वाले को तुम लोगों ने कैसे छोड़ दिया? जो इंसान अपनी माँ का दूध पीकर उसी की छाती पे वार करे उसे तुम लोगों ने कैसे छोड़ दिया? कम ऑन टेल मी। ऐसे लोग तो बदमाश, चमचे, चरित्रहीन, देशद्रोही, माँ को बेचने वाले पिंप। उसे कंप्लेन लिखवाने के लिए छोड़ क्यों दिया? खत्म कर देना चाहिए था उसे। जैसी अपनी भारत माता वैसे अपनी माँ भी है,
जो इंसान अपनी माँ का अपमान करे, उसकी छाती पे वार करे, उसे तुम लोगों ने छोड़ कैसे दिया? हिंदुस्तान सिर्फ तुम लोगों का नहीं, मेरा भी है। भारत भाग्य विधाता कह देने से कोई भी इंसान हिंदुस्तानी नहीं बन जाता, समझ गए? जो हमारी माता का अपमान करे उसका सर धड़ से अलग कर देना चाहिए। अफसोस, न तो धैर्य, आक्रोश और एकता जैसी नाम की कोई चीज है तुम लोगों में। कल तक हम लोग ब्रिटिश लोगों के गुलाम थे और आज कोई और हमें अपना गुलाम बनाना चाहता है। बेहतर होगा कि गुलामी छोड़कर हम उन्हें ये बताएं कि हम क्या हैं। पटेल का डिस्को थे कहाँ पर है? गुलाबा में है वो डिस्को। राहुल बाबा, पुलिस यहाँ सील करने आई है। लगता है उसका दिमाग खराब हो गया है। चलो उसको बाहर निकालो, उसको जल्दी, कम ऑन। हे यू ब्लडी बग। अन्याय को चूर चूर करके उसे मोती बनाकर अपने गले में पहनने वाली जख्मी शेरनी हूँ। झांसी, सामने वाला मेरे कदमों में झुक जाता है, अपनी मौत को दावत देता है। किक हिम आउट फ्रॉम हियर। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना, समझ गए तुम? नहीं तो सिटी में नो एंट्री लग जाएगी। तुम्हें चाहिए क्या? डिसिप्लिन। सुबह लड़की को छेड़ा और लड़कों के साथ मारपीट किया, और अब डिस्को में आकर दोबारा वही हरकत कर रहे हो। पुलिस से शराफत से पेश आने के बजाय अपने गुंडों से कहलवा के उनके साथ मारपीट करते हो। भारत देश में रहकर यहाँ के नियम कानून का अपमान करते हो। इसे डिसिप्लिन नहीं कहते, क्राइम कहते हैं। अगर तुम्हें सलाखों के पीछे नहीं जाना तो ये डिस्को बंद करके उन लड़कियों से माफी मांगो। कानून को सल्यूट करो। दिन में भी तुम सपने देखती हो। तुमने समझ क्या रखा है आखिरकार? तुम जैसा कहोगे वैसा करूंगा मैं, जानती हो मैं कौन हूँ? सरकारी वर्दी पहनकर यहाँ पर आकर रोब झाड़ने की कोशिश कर रही हो ना तुम? अरे तुम हो कौन, चंडी चामुंडी हो क्या? तो फिर एक काम करो, अगर ऐसा है ना तो फिर अपनी आरती उतारो, जाओ किसी मंदिर में, यहाँ पे नहीं। यहाँ जो लड़कियाँ आती हैं वो अपना जिस्म को दिखाने आती हैं। अब क्या करूं? ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। ए, कम से कम तुम्हें तो बताना चाहिए था। अरे हम लोग लेडीज लोग हैं, यहाँ कुछ ऊंच नीच हो गया तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। सॉरी सर, हमें जाने दीजिए प्लीज। अरे मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि मुझे यहाँ लेकर मत आओ। चलो यहाँ से, मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आई हो? चलो चलो यहाँ से। मैडम। अरे मैडम गई भाड़ में, हमें यहाँ से जल्दी निकल के जाना चाहिए, नहीं तो सेफ्टी नहीं है। चलो। और जितना हंसना है हंस लो तुम लोग। ए चंगेज खान, बुला अपने खानदान को, साले बदमाश। तुम मुझे यहाँ पर कितनी देर रख सकती हो? एक घंटा, दो घंटा, ज्यादा से ज्यादा वो तो चार घंटे, और उससे ज्यादा रखने का तो नो चांस। तुम्हारे कानून में मुझे यहाँ पर परमानेंटली रखने की तो शक्ति नहीं है। जस्ट वन फोन कॉल एंड वी आर आउट ऑन द स्ट्रीट्स। तुम कानून की पालन करने वाली मुझे सलाम करोगी और प्लीज कहोगी हमारे पैसे, पावर और इन्फ्लुएंस के सामने तुम्हारा कानून एक जस्ट ए ब्लाइंड मैन। यू वांट टू सी, यू वांट टू सी, गिव मी द फोन, गिव मी द फोन, गिव मी द फोन। डर रही हो तुम? डर रही हो? तुम्हें डर लग रहा है कि जो मैं कह रहा हूं वो सब सच हो जाएगा, है ना? See your face, यार। Law is scared of us. She's sweating, यार। चलो। कर, फोन कर। मैं भी देखती हूँ तो किस किस को फोन करता है। जरा ये भी देख लो कि खाकी वर्दी से ज्यादा पावरफुल कौन है। ए, फोन कर। कौन है जो कानून के साथ खिलवाड़ कर उसका मजाक बनाना चाहता है? फिर मैं उसे बताऊंगी कि कानून के साथ खिलवाड़ करने का अंजाम क्या होता है। फोन कर।
अरे तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? बी कूल, बी कूल। अरे मैडम के लिए ठंडा लेकर आओ। ये तेरे घर की नौकरानी है क्या? Just keep quiet. मुंह बंद रख अपना। इज्जत से बात कर वरना गोली चला दूंगी। मिस्टर आर सी पटेल, आपका बेटा मेरी कस्टडी में है। मैं कल उसे कोर्ट लेकर जा रही हूँ। आपकी जितनी ताकत है, पहुंच है, इन्फ्लुएंस है, पावर है, सब का सब इस्तेमाल करके देख लो। Who is this? You don't know me, Mr. Patel. उस दिन तो बहुत बड़ी बड़ी हाँक रहती कि मेरा ये पावर है, वो पावर है, इन्फ्लुएंस है। आज मैं भी देखना चाहती हूँ कि कितना पावर है तुम में। कहाँ है इनका बेटा राहुल? रात में मैडम ने उन्हें किसी और जेल में शिफ्ट कर दिया है। कहाँ किया है पता नहीं। ये सब क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? कैसे कैसे लोगों को पुलिस में भर्ती कर देते हैं? निकाल के बाहर फेंकिए इन्हें। यस, मैं कमिश्नर नरसिम्हा बात कर रहा हूँ। राहुल कहाँ है? ओह सर, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक रहा हूँ, ऐसा तुम चाहती ही नहीं हो। वेयर इज राहुल? सर राहुल तो साउथ अफ्रीका गया हुआ है ना। व्हाट, साउथ अफ्रीका में? आपको इस बारे में कुछ भी पता नहीं सर, वो साउथ अफ्रीका मैच खेलने गया। व्हाट अ प्लेयर, स्लो एंड स्टेडी, विंस द रेस कहते हैं ना, परफेक्ट एग्जांपल है, सुपर प्लेयर। मैं किसी राहुल द्रविड़ की बात नहीं कर रहा हूँ। राहुल, मैं अपने राहुल की बात कर रहा हूँ। सॉरी सर, दिल्ली जाकर मैं राहुल द्रविड़ से मिलकर उसे कांग्रेचुलेशन देकर उसे ये कहने वाली थी कि वो देश के हित के लिए कुछ करे सर, लेकिन मैं क्या करूँ, टाइम ही नहीं हो पा रहा है, मेरा बैड लक है सर। मैं ना राहुल द्रविड़ की बात कर रहा हूँ और ना राहुल गांधी की, मैं आरसी पटेल के बेटे राहुल की बात कर रहा हूँ। कहाँ है वो? ये तो मुझे अच्छी तरह से पता था कि आप आकर मुझे रिलीज करने के लिए कहेंगे, इसलिए रात को ही मैंने उसे छोड़ दिया। क्यों सर, वो अभी तक घर नहीं पहुंचा क्या? ऐसा कीजिए टीवी पर उसका फोटो दिखा दीजिए। उसे कहाँ छिपा कर रखा है? सर मैं उसे कहाँ रखूंगी, मैं क्या, कोई भी उसे 10 मिनट से ज्यादा नहीं रख सकता। होगा कहीं क्लब में, बार में, रेड लाइट एरिया में। यू आर सस्पेंडेड। लेकिन क्यों सर? लुक, कंट्रोल रूम में खबर कर दो, राहुल किसी भी हालत में और कहीं पर भी हो, उसे तुरंत ढूंढ कर निकालें। विद इन 2 आवर्स वो मेरे सामने केबिन में होना चाहिए। यू अंडरस्टैंड? नहीं तो तुम सबको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। यस सर। यस। Hey, yeah, my dad did it, huh? He did it, sir. Hi, Dad. Hi. How are you, son? I'm fine. Hi. How are you? Hi, uncle. Yes, how are you? Thanks, uncle. Thank you, uncle. Thank you. Thank you, uncle. Thank you. Take it easy. Take it easy. Yeah, thank you, uncle. शुक्रिया सर। सर खाना तैयार है। ओके कम ऑन। अभी यहाँ पे खाना पड़ेगा, यहाँ पे खाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। सेल में रहकर मैं बहुत बोर हो गया हूँ, अब मैं सिर्फ हॉलिडे इन में रहना चाहता हूँ। Is it so? Come on, go and enjoy. Yay! Okay, bye. Thank you, darling. Go and enjoy. Be happy. Okay. Serious, serious. Want to join us? Come, come. Come on, boys. Let's party. Get in, get in. Thank you. It's okay. Thank you very much. Welcome. Bye-bye. I think now you are better. हमसे दूर रहना चाहिए या हमसे चिपक कर रहना चाहिए? अब तुम सेफ हो। क्या सोच रही हो? ठीक से सोचो। वो है या मैं हूँ? दोनों नहीं, प्रेशर है। ऐसे लड़के को छोड़कर? तुम्हें सस्पेंड किया है, समझी?
ये समझो कि तुम्हें एक सप्ताह की छुट्टी मिली है जिससे ठंडे दिमाग से सोच सको। इट्स बेटर तुम किसी को भी ढूंढ कर शादी कर लो, बॉडी और दिमाग दोनों को रिलैक्स मिलेगा। बेहतर होगा कि मैं एक क्रिमिनल से शादी कर लूं क्योंकि वो ऐसे लोगों को मारने में कानून की मदद करेगा, क्योंकि मेरा कानून के ऊपर से विश्वास उठ गया है। देखो इंस्पेक्टर, कानून के बारे में मुझे मत बताओ, लॉ एंड ऑर्डर क्या है अब मैं भी इस बारे में सोचने लगा हूं। तुम भी सोच के देखो, हमारा जो ये कानून है ना वो बहुत फास्ट है, और इसका जो बैरोमीटर लेबल है ना वो मिडिल क्लास के लिए है, उसके ऊपर जाता ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं जाता। तो फिर मैं भी देख लेती हूँ कर्ज उसमें है या उसकी तिजोरी में पड़े रुपयों में। कानून के पीछे असली कहानी क्या है सुनने वाला कोई नहीं, हमारी मांगों को पूरा करने वाला कौन ऐसा है? ऐसा लगता है कि आज मेरा कोई अपना नहीं है। हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। आप सबको मेरा प्रणाम, मैं राहुल की माँ हूँ। ये लो स्वीट, बात बाद में बताऊंगी। झांसी, तुम्हें जितनी बार मैं नमस्कार करूँ उतना कम है। अहंकार में जीने वाला मेरा बेटा और पति जिनके पीछे तुम लगी हो, आगे बढ़ो और उन्हें सबक सिखाओ। अगर वो दोनों सही रास्ते पर आ गए तो आज तक जो मैं भगवान की पूजा करती हूँ तुम्हारा अभिषेक करूंगी। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है मगर एक अच्छा बेटा नहीं दिया है, वो तुमसे चाहती हूँ। मेरे बेटे को तुम ही अच्छा कर सकती हो। Hey, देखो तो यहाँ पर कौन है, स्वयं देवी उतर आई है। हेलो, मैं सुर चामुंडी हूँ, हिंदुस्तान की नारी, संस्कार की देवी। और तो फिर यही था तुम्हारा पावर, और तुम मुझे चैलेंज करने चली थी। क्या हुआ तुम्हारे चैलेंज का, तुम भीगी बिल्ली बन गए हैं? और मैं तो यहाँ पे मना रहा हूँ खुशी। Come on यार, let's see the drum. अरे क्यों दोस्तों, मैं ड्रम बजाना चाहता हूँ, लेकिन ये ड्रम जो खड़ी है ये खाली है कि पूरी तरह से भरी हुई है? झांसी, इन लोगों को अपने बारे में बताओ, आज वक्त आ गया है अपने को अपने बारे में बताने का, दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। बजा दो इनकी अच्छी तरह बैंड। हाँ।
जानकी, what is this? मेरे माँ के घर का तोहफा है। उत्तर ध्रुव से पश्चिम ध्रुव की ओर चलने वाली हवा है। आहा, मेरा जन्म सार्थक हो गया। छोटे छोटे बच्चे मूर्तियों जैसे होते हैं। हमने तो पैदा किया है चूहा। इतने त्योहार आकर चले गए, लेकिन मैं अपने घर नहीं जा पाई। तब सोचती हूँ कि मैं क्यों नहीं जा पाई। इसलिए मैंने सोचा, अगर मैं नहीं जा पाती तो क्या हुई। इसलिए मैं इसे उठाकर यहाँ लाई हूँ। इसे उठाकर बाहर कचरे में फेंक दो। मैं तो इसे कब का फेंक चुकी हूँ। आप अपने पैदा किए हुए चूहे की पैरवी करते हो? जानकी, ये दलीज कचरे उठाकर बाहर फेंको। मैं भी कचरे में पैदा हुई हूँ, क्या मुझे भी फेंक दोगे? जानकी, why don't you understand? तुम हमारे शत्रु का साथ देकर। शत्रु तो हमारा ये है जो हमारा दिल जला रहा है। राहुल, कहाँ जा रहे हो? ये कहाँ जाएगा और काम क्या करेगा? जानकी, आप बताइए, कोई ऐसा आदमी है दुनिया में जो इसे सच्चे दिल से प्यार करता हो? इसमें कोई ऐसी एक बात है जिसे मैं इसमें गर्व करूं? ये स्टाइल, फैशन, दौलत कुछ काम नहीं आता। सिर्फ 3 दिन का खेल है, सिर्फ 3 दिन का। जो शाश्वत चीज है उसे ढूंढो, उसे पालो। जिंदगी में ऐसा कोई काम करो जिसे सुनकर लगे कि कोई काम किया है, जिसे संतोष की सांस ले सकूं। जिंदगी में एक कोई ऐसा क्षण दे दो। भगवान करे तुम्हें अच्छे काम करने की सद्बुद्धि मिले। इसे देखो, ये स्टाइल, फैशन, दौलत कुछ काम नहीं आता। सिर्फ 3 दिन का खेल है, सिर्फ 3 दिन का। जो शाश्वत चीज है उसे ढूंढो, उसे पालो, उसे परख लो। जिंदगी में ऐसा कोई काम करो जिसे सुनकर लगे कि कोई काम किया है, जिसे संतोष की सांस ले सकूं। जिंदगी में एक कोई ऐसा क्षण दे दो। Yes. You love her? Yes. लेकिन वो तुम्हें नहीं मिलेगी। क्यों? हाँ, क्योंकि वो अलग टाइप की लड़की है। What do you mean? I'm sorry. Just I was watching. No, sorry. I was just listening to the beat. okay. कुछ भी हो, अगर उसे देखकर दिल धड़क रहा हो तो उसे भूल जाओ, क्योंकि वो रिजर्व टाइप की लड़की है। फिर भी मैं ट्राई करूंगी। वो हमारे हॉस्टल की लड़की है, हमारी रूममेट है, नाम चित्रा है, नंबर 15, और अच्छी डांसर भी है। ओके, बाय चित्रा। अब चलो, वार्डन इंतजार कर रही होगी। वो कौन है? वो इधर क्यों आया है? जहाँ पे गुड़ होता है वहाँ पे चीती जाता है। छी, ये लड़के लोग भी ना हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। अरे, पूरी सृष्टि ही बंद हो जाएगी अगर लड़के लड़कियों के पीछे ना पड़े। पिंग, पिंग। वो अभी भी इधर ही खड़ा है, जाने का नाम ही नहीं लेता। लव ऐसा ही होता है, फेविकोल की तरह चिपक जाता है तो छोड़ता ही नहीं। हाँ हाँ, प्यार तो ऐसा ही होता है। कहाँ है, क्या है, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता, बस हो जाता है, पागल है। ये या। Oh my God, he's really mad, यार। ए, क्या हुआ? What happened, Ra? क्यों हवा चल रही है? क्यों पक्षी उड़ रहे हैं? क्यों बारिश हो रही है? क्यों बिजली कड़क रही है? क्यों दिल धड़क रहा है? ये सब कुछ मुझे पहले बिल्कुल मालूम नहीं था, आज मुझे मालूम पड़ा है।
That's all because of scientific reason, bhai. No, because of love. प्यार हुआ? ओए मुंडिया, प्यार, इश्क, मोहब्बत, इन सब चक्रों में पड़ेगा तो फंस जाएगा मुंडिया। राहुल, अगर लव हुआ तो तुम्हारी जिंदगी लॉक हो जाएगी। ये ठंडा पियो और गोली मारो। आज ये ठंडा तुम्हारे लिए और उसकी आंखों की नशा, उसके बदन की आग मेरे लिए। वो इतनी ब्यूटीफुल है, तो चलो उठा कर लाते हैं, एंजॉय करते हैं। वो एक फ्लावर है, वेरी सॉफ्ट फ्लावर। हाथ लगाओगे तो वो मुरझा जाएगी। डोंट एवर, नेवर टच हर। वेरी टची, आई लव मशी। टचवुड, सच बात बताओ, आई एम इन लव, गिव मी सम टिप्स यार। टेक यार, 100 rupees ओनली। सॉरी यार, ये लव सीन हमारे लिए न्यू सीन है। हमको गैस नहीं मालूम, स्टोव नहीं मालूम, हमको तो सिर्फ बॉडी का स्मेल मालूम है यार। कोई फिगर देखेगा तो? अगर कोई फिल्म देखे तो? या कोई बुक पढ़ेगा तो? क्या दोस्तों, तब से क्या कह रहे हो मुझे? अगर कुछ कहना ही है तो मेरे दिल की बात करो, दिल से। क्यों, ये बॉडी ठीक नहीं है क्या? अब इन सब से मैं पक गया हूं। अब जो भी है वो सिर्फ मेरा दिल है। मॉम, मैंने एक लड़की को देखा है। I don't know why I fell in love with her. उसे पसंद करने लगा हूं मैं, उसे भूल नहीं पा रहा हूं मैं, उससे मिलना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं। और भी बात है, I've got so many feelings, बता नहीं पा रहा हूं मैं, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे बात करूं। I don't know why I feel like crying, mom. Can you help me, please? मेरा बेटा बच गया, मैं जीत गई। मैं जीत गई। मम्मी। मारे लश्कर किड़े किड़े चुप जाए, नशे में पूरा सिड़ी। वारे जलवे क्या है उसमें, वारे जलवे क्या है उसमें, सांझ सवेरे सताए वो आके, सांझ सवेरे सताए वो आके, वारे जलवे क्या है उसमें, नन्ना करे वो किड़े किड़े जाए नशे में पूरा जरी, ना ना कर वो किड़ी किड़ी डूब जाए नशे में पूरा जरी। हाथ मलेंगे वहां, कहना कहे बस तौबा।
ये प्यार नहीं है तो अजूबा। प्लीज बोलो ना। तुम्हें देख के दिल में बजे सिटी, नाउ लुकिंग यू वेरी प्रिटी प्रिटी। मारे लश्कर ओए किटी किटी, डूब जाए नशे में पूरा सिटी। बता दिया है ना बेटा, आप अपना मुंह बंद रखो। आप में कोई डिसिप्लिन है या नहीं? और आपने इन्हें हॉस्टल में हंगामा करने की परमिशन दे दी। ए चित्रा, तुम लोग भी इनके साथ मिलकर गेम खेल रहे हो? तुम लोगों को मान मर्यादा की परवाह है या नहीं? आज या कल कोई दूसरा आके आई लव यू बोलेगा तो हम लोग उसे कबूल कर लेंगे क्या? तो तुम राजकुमार हो? कहां के राजकुमार हो? तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। ओके, तो ये लो, पॉइजन खाकर दिखा। अब क्यों चुप हो गए? टेक दिस। ए, तुम अपने आप को समझती क्या हो हैं? ये तुमसे प्यार करता है और तुम इसे पॉइजन देना चाहती हो? ऐसी लड़की के लिए तो दूसरा हंगामा करना होगा। ए, चलो लुटा लो इसको। हे जीबी, लीव हर। कीप क्वाइट यार, ये लव के लिए नहीं है, ये सिर्फ गेम करने के लिए है। नहीं, ये मेरा प्यार है। टेस्ट करने का हक इसे बिल्कुल है। तुम लोग इसमें बिल्कुल मत पड़ना। मैं मरने को तैयार हूँ, अगर ये चाहे तो मैं मर सकता हूँ। गेट द हेल आउट ऑफ हियर। वेरी टची हवा मशी। गेट आउट। हे यू। आई एम सॉरी, दे लव मी सो इट्स नेचुरल। तुम मुझे ये जहर दे दो, मैं तो हंस के पी लूंगा। सोचा था जिंदगी भर तुम्हें देखकर जीऊंगा, लेकिन ऐसा शायद हो नहीं पाएगा। नो प्रॉब्लम, आपको आंख भर के देख लिया अब मैं मर सकता हूँ। ओह, आपको मेरे लिए मरने की जरूरत नहीं है और ना ही मेरा ऐसा कोई प्लान है। और मैं जो आपको दे रही थी वो प्योर कॉफी डिकॉक्शन। अगर आप सच्चे दिल से मुझसे बहुत प्यार करते हो तो बिहेव योर सेल्फ। अपनी जन्म कुंडली मेरे घर भिजवा दीजिए। अगर उन्हें पसंद आए तो आई अग्री, अदरवाइज प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। ये रहा मेरा एड्रेस, गुड बाय। डोंट फील बैड, वी विश यू ऑल सक्सेस। होप तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। थैंक्स, ऑल द बेस्ट। ओके। ए, वो देख उधर। Excuse me, anybody there? कौन है?
सॉरी, लगता है मैं गलत एड्रेस पर आ गया हूँ। आई एम सो सॉरी। हेलो, चित्रा ने ही तुम्हें काट दिया ना, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। बेहतर होगा कि तुम अंदर आके कॉफी पीकर जाओ, टेंशन मत लो। घर आए किसी भी मेहमान के साथ हम लोग बुरी तरह से पेश नहीं आते। सुनो, जरा राहुल के लिए कॉफी बना कर लो। दरवाजे पे ही खड़े रहोगे, अंदर नहीं आओगे क्या? तुम घबराओ मत, तुम दुश्मन हो इसलिए रिजेक्ट नहीं करूंगी तुम्हें। प्यार से पेश आना ही इंसानियत है। चित्रा ने तुम्हारे बारे में सब बता दिया और मैंने भी ओके बोल दिया। आओ बैठो। कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कॉफी पी लो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर रही हूँ, इसमें मेरा भी स्वार्थ छुपा है। अगर तुम्हें चित्रा से शादी करनी है तो तुम्हें जेल जाना होगा। सारे पुराने केस रीओपन होंगे, तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को उनके किए की सजा भी मिलेगी राहुल। अच्छी तरह से समझ लो, जो इंसान लॉ एंड ऑर्डर को अपनी जूती की नोक पे रखता है, जो प्यार की बातों को बिल्कुल नहीं समझता, उसे प्यार करने का कोई हक नहीं। और ऐसे इंसान को तो आसानी से प्यार भी नहीं मिलना चाहिए। तुम एक अच्छे इंसान हो ये साबित करने के लिए एक चांस देती हूँ, नहीं तो। नहीं मैडम, मैं जेल जाने को तैयार हूँ। लेकिन तुम्हारे डैडी? अपने डैडी को समझा लूंगा मैं। ठीक है, कल सुबह पुलिस स्टेशन में तुम सबका इंतजार करूंगी। कल अपने दोस्तों के साथ में पुलिस स्टेशन आऊंगा। गुड लक। थैंक्स मैडम। What is this? Sorry, man. This is my fault, your fault, their fault. इसमें सब की ज़िंदगी का सवाल है। उस लड़की को भूल जाओ। Nobody goes to jail. Hey guys, come on, seize him. Leave me, you guys. Leave me. एक दो टक्के की लड़की के लिए इतना frustrated नहीं होना चाहिए। Rob him up. तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते। मैं जेल जरूर जाऊंगा। आज तो उस लड़की के लिए हमें जेल में पहुंचा रहा है। आज तेरे लिए हम कुछ नहीं, वो लड़की सब कुछ है। छोड़ना मत इसे। Don't leave him. तुम में से कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। I'm going to jail. Bye. ये लड़का हम सबको फंसाएगा। Catch him. चल 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 अंदर। डैडी प्लीज। क्या हो जी, क्या बात है? ए, अपना मुंह बंद रखो वरना सबको काट डालूंगा। ए, तू बता कौन है तू? कौन है तू? ए, मैं आरसी पटेल हूँ, तू मेरा एक लौता बेटा है। किस चीज की कमी है तुझे बता? पैसे की कमी है तुझे? लड़कियों की कमी है? चुटकी बजाऊंगा तो लड़कियां तेरे कदमों में आ गिरेंगी। मैं अभी तुम्हारे पीछे हूँ और तू उस चामुंडी के पीछे जा रहा है, हाँ? ए, ना वो लड़की रहेगी और ना ही वो झांसी। बी केयरफुल। आप चित्रा को कुछ नहीं करेंगे, मेरी कसम है। ए, ये एक बिजनेसमैन का प्यार है। मैंने जो कह दिया वो हिमालय पहाड़ की तरह अटल है। अगर तुमने कहा कि तुम उस लड़की से प्यार करते हो तो मैं तुम्हें फुटपाथ में ले जाके गोली मार दूंगा। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, मैं अपने प्यार को खोने वाला नहीं हूँ। ए, अच्छा है, अच्छा पट्टी पढ़ाया उस लड़की ने तुम्हें मेरे खिलाफ। वो तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रही है। वो लड़की जिंदा रहेगी तब बात करेगी ना। हट, चल चल अपने कमरे में। यू रास्कल, इडियट। डैडी मेरी बात समझिए। डैडी प्लीज 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 मेरी बात सुनिए। चल प्लीज डैडी, प्लीज डैडी। पाशा, तिरुपति का दो टिकट बुक कराओ और झांसी और उसकी बहन को आज ही के आज खत्म कर डालो। ओके।
आईएसआई की ट्रेनिंग लेकर तुम लोग डैम, ब्रिज, विधानसभा सब कुछ तोड़ दोगे, लेकिन ये क्या किया? तुम लोग उसकी गारंटी खत्म करोगे, इसीलिए मैंने पार्टी अरेंज किया है, लेकिन सब कुछ मेरे ऊपर ही उल्टा पड़ गया। शिट। hey, राहुल कमरे में बंद है, वो बाहर ना निकल पाए, उसके ऊपर पूरी तरह से नजर रखना। अब ये काम तुम लोगों का है, झांसी आकर पूछेगी तो कहना घर में कोई नहीं है, अंडरस्टैंड? आरसी 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 पटेल, आज तक तुम हमेशा घर तोड़ने का काम करते आए हो, घबराओ मत, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए तुम्हारे घर पर नहीं आई हूँ, थैंक्स कहने के लिए आई हूँ। तुम मुझे मारने के लिए इसी तरह क्रिमिनल्स भेजते रहना और मैं इसी तरह उनके हाथ पैर तोड़कर तुम्हें भेज दूंगी। एनीवे, क्रिमिनल सप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से थैंक्स पटेल। मेरी जगह अगर कोई दूसरा होता तो सीधा दरवाजा बंद करके ए मिस्टर पटेल, किस बिल में छुपा हुआ, जल्दी बाहर निकल। ए हलकट, मैं तुम्हारी खोपड़ी में बंदूक रखूंगी तो पसीने छूट जाएंगे। मेरे से शान पट्टी मत कर, क्योंकि अन्याय को चूर चूर करके मोती बनाकर अपने गले में पहनने वाली जख्मी शेरनी कहलाती हूँ मैं। कैसा है? मैं अलग हूँ, मेरा स्टाइल भी अलग है। तुम्हारे लिए जेल मैं तुम्हारे घर में ही क्रिएट करूंगी। तुम्हारे लिए तुम्हारा बेटा जेल है और तुम्हारे बेटे के लिए मेरी बहन जेल है। एक तरफ प्यार है, दूसरी तरफ क्राइम। कहाँ है, कहाँ है तेरा बेटा, तेरा हलकट बेटा? उत्तम में उत्तम, सर्वोत्तम पुरुषोत्तम। ओह, यह है जानकी देवी, श्री रामचंद्र की महासती। आपने जिस बेटे को पैदा किया है वो बेटा है कि चूहा है? ए डरपोक, कहाँ छुपा बैठा है बिल में, अंदर बाहर निकल। स्टाइल मार रही हूँ मैं बस, जस्ट टू चेक इट आउट कि वेदर इट वर्क्स और नॉट। ओके, प्यार में कुछ भी करूंगा, जेल भी जाऊंगा, दावा करने वाला आज कायर की तरह कहाँ छिपा बैठा है? तुझे जन्म देने वाला तेरा बाप भी कायर है। झांसी, ये क्या बात कर रही हो? What are you trying to do? ए, पटर पटर बनकर, मुंह बनकर, जेल में डालकर चक्की पिसवाऊंगी तो नानी याद आ जाएगी। पुलिस वाली हूँ मैं, जरा भी ऊंची आवाज में बात की तो जबान खींच लूंगी। जख्मी शेरनी हूँ, आंखें निकाल के रख दूंगी। ए मिकी माउस, अगर तू वाकई में सच्चा प्यार करता है और अपनी बाप की इकलौती औलाद है तो बाहर निकल गया, नहीं तो कल मैं अपनी बहन की शादी कहीं और करवा दूंगी, फिर जिंदगी भर रोते रहना। गुड बाय। राहुल, राहुल, राहुल। लीव मी डैड। मैडम, मुझे यकीन था, यू आर अ गुड बॉय, आई लाइक यू। राहुल मत जाओ, राहुल, राहुल रुक जाओ। प्लीज सर, एक मिनट, मुझे मैडम से बात करनी है। मैडम, मुझे आपसे एक मिनट बात करनी है। मैंने आपसे कहा कि मैं चित्रा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन एक बात मुझे सता रही है, जो आदमी जेल जाता है उसको कोई अपनी बेटी नहीं देता। अगर ऐसा हुआ तो आप बताइए फिर क्या होगा। मैं तो तुम एक ट्यूबलाइट हो, पता नहीं, इट्स टू लेट, जो लड़का जेल से बाहर आता है उसे कोई अपनी लड़की नहीं देता। हाँ, और मेरी बहन की शादी भी तुमसे नहीं होगी। मैं तो सिर्फ तुम्हारे बाप को सबक सिखाना चाहती थी कि पुलिस से पंगा लेने से सिर्फ डंडे का ही दर्शन होता है। पुलिस अगर मुखौटा पहनकर कोई गेम करना शुरू कर दे तो तुम्हारे चेहरे का मुखौटा उतर जाएगा। तुम्हें जेल के अंदर लाने के लिए ये सब गेम मैंने खेला। चित्रा तुम्हें मिलेगी, ये सपने में भी मत सोचना। टेक हिम। ये अन्याय है, आपने मुझे धोखा दिया, आपने मुझे चीट किया, ये चीटिंग है, आपने मेरे प्यार का गला घोट दिया, आपने सत्यानाश कर दिया, ये चीटिंग है, चीटिंग, you cheated me, you treated me like a shit man, आपने मुझे धोखा दिया आपने। क्या तुम इस तरह बैठ गई हो, चलो हम जाकर आते हैं।
कहा? तुम ऐसा कहोगे तो कैसे चलेगा? वो सिर्फ तुम्हारी वजह से जेल गया है। क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम उससे जाकर मिलो? जो काम कोई नहीं कर सकता वो उसने करके दिखाया है। आज की दुनिया में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं, इसके लिए वो रोमियो है। ऐसे लोग ना हो तो फिल्म रिलीज कैसी होगी? ये तो रोमियो रियल हीरो है, देवदास की कहानी की तरह। ए, ये देवदास कौन है? लॉर्ड कृष्णा एक लड़की के चक्कर में देवदास बन गए। ये भी एक लव स्टोरी है। आज के दौर में 90% लोग नमक हराम होते हैं। चमक दमक दिखाकर दिन निकाल लेते हैं, पैसे दिखाकर कपड़े उतारते हैं, काम हो गया तो निकल लेते हैं। प्रेमी कहेंगे तो उनका भी यही काम है। क्या सोच रही है तू? तुम्हारे लिए वो जान देने के लिए तैयार हो गया, तुम्हारे बिना वो कैसे जी रहा होगा? चित्रा, ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा, चलो चलकर देखते हैं। चित्रा जल्दी चलो ना। I'm sorry, दीदी को पता चल जाएगा तो वो जान से मार देगी। मुझे पता था कि तुम यही कहोगी। वो पागल है कि तुम्हारी जैसी लड़की के चक्कर में पड़ गया है। तुम्हारे जैसी लड़की मैंने कहीं नहीं देखी। तो तुम स्वार्थी हो, जाओ जाकर कहीं डूब मरो। चलो हम लोग चलते हैं। तुमसे मिलने के लिए कुछ लड़के आई हैं। आओ। हाँ? चित्रा। हाय राहुल। हाय। हेलो राहुल, कैसे हो? आई एम सॉरी, ये सब। नो प्रॉब्लम, प्यार में अक्सर ये सब होता रहता है। उन लोगों ने तुम्हें क्यों अंदर कर दिया है? उन्हें कोई दूसरा नहीं मिला? प्यार करना क्या कोई जुर्म है? अगर प्यार किया तो क्या हुआ? इसमें उनके बाप का क्या जाता है? कितने ऐशो आराम के साथ तुम रहते थे, ये क्या हो गया राहुल? प्लीज अंकल, इसे छोड़ दीजिए, इसने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये बहुत अच्छा लड़का है। मुलाकात का वक्त खत्म हुआ मैडम, अब आप लोग जा सकते हैं। ये भी कोई बात करना है? हम इसे गले लगाकर रोना चाहते हैं। तुम ऐसे इंसान हो इसलिए तुम्हारी ड्यूटी यहाँ लगाई गई है, नहीं तो बाहर होते। चित्रा क्यों नहीं आई, कहाँ है वो? तुम उसके लिए जेल में आए हो, क्या तुम उसे भुला नहीं सकते? अभी भी तुम्हें उसकी याद आती है? उसकी याद मेरे दिल से मेरे मौत के बाद ही जाएगी। चित्रा। हे, तुम मुझसे मिलने आई, आज मैं बहुत खुश हूँ। कैसी हो तुम? पहले तो तुम्हारी बहन हमारी शादी के लिए तैयार हो गई, फिर जेल में डालने के बाद अब वो इनकार कर रही है। अगर तुम्हें किडनैप करूंगा तो क्राइम है, तुम्हें छोड़ दूंगा तो पेन है। मुझे ऐसा कुछ दे सकती हो जिसे पीकर मेरी जान चली जाए? एक तुम ही हो जो मेरी तकलीफें दूर कर सकती हो। I love you, चित्रा। I love you, चित्रा। I love you, चित्रा। ये दिखाओ। हाँ जी। राहुल किस किस नंबर पे फोन कर रहा था जरा देखना। ए, इस राहुल के पास कौन सा फोन है? नोकिया है, बीएसएनएल है या रिलायंस है? पता नहीं उस हलकर के पास कौन सा फोन है, वो बहुत होशियार है, सब सरकार का फोन है। तुम उस मैगजीन में देखकर बताओ, पेपर में छपे फोटो को देखो तो देखने में कैसा लगता है, अभी का फोटो है या पहले का है? खूब अच्छी तरह से देखकर बताओ। ये लो दीदी, इसमें पटेल के रिश्तेदारों और उसके बिजनेस की सारी डिटेल है, सारे कॉन्टेक्ट हैं, कहाँ से उसका काला पैसा आता है, कहाँ जाता है, इसमें सारी डिटेल्स हैं। उसने जो भी किया सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, उसे मुजरिम साबित करने के लिए इतना काफी है। मुझे वो दूसरा न्यूज निकाल कर दिखाओ, मुझे उस न्यूज की पूरी डिटेल चाहिए। तुम ऐसा करो, मुझे कॉपी दे दो। ये डिटेल चेक करो, ये वाला। दीदी। रंगा मैडम, हमारे डिपार्टमेंट के कोड, एक्साइज कोड, लोकल, एसटीडी, आईएसडी कॉल्स के सारे डिटेल्स के कॉपी निकाल कर रखो। जी अच्छा मैडम। दीदी, आपने राहुल को जेल में क्यों डाला? हाँ क्या हुआ, सब कुछ रेडी है ना? हाँ, एक कॉपी तुम लोग रख लो। ओके ओके मैडम। और ये फ्लॉपी भी रख लो। ठीक है मैडम। और कोई बात हो तो मुझे बता दे। जी दी। ओके क्विक। दीदी
क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? अब तो तुम बहुत बड़ी हो गई हो, किस बात की इजाजत लेने आई हो? लेकिन दीदी। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है तुमसे बात करने के लिए। खुद को इतनी बड़ी समझती हो कि जो मर्जी में आया कर गई। बड़ी बहन होने के नाते मैं तुम्हारी भलाई चाहूंगी ना। राहुल को जेल में बंद करके मैंने कोई गलत काम नहीं किया, उसके जैसे लोफर फ्रॉड से तुम कैसे प्यार कर बैठी? उसके प्रति हमदर्दी जताने से पहले उसके बारे में तो जान लेती, फिर तुम डिसाइड करती कि तुम्हें क्या करना है या नहीं। मैं उसे मानना चाहती हूँ और तुम हो कि उसे बचाने के लिए लगी पड़ी हो। अब तुम लोग अपने अपने काम पे लग जाओ, सबको फोन करके इन्फॉर्म कर दो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं भी तुम लोगों को फोन करती रहूंगी, ओके? अब हमारा एक ही लक्ष्य है, भारत माता की जय। भारत माता की जय। सुन लो चित्रा, आज से तुम्हारा हॉस्टल जाना बंद, क्योंकि आज से हमारा मिशन चालू, चारों तरफ अहित होने वाला है, तुम होशियार रहना। चित्रा, मैं अपनी तकदीर तो नहीं बदल सकती, लेकिन तुम्हें खुश रहना है। मैं जो कह रही हूं उसे समझने की कोशिश करो, आगे तुम्हारी मर्जी। नहीं दीदी, मुझे मालूम है तुम कुछ गलत नहीं करोगी, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि दीदी आप इस वक्त गलत हो। अभी तुम बच्ची हो, इसलिए तुम्हें सही गलत का पता नहीं। हमसे कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए बड़ों को साथ रहना चाहिए। अच्छा, सब मालूम है तुम्हें, बहुत बड़ी हो गई हो। अच्छा चलो जाओ, खाना खा लो, जाओ। Thank you.
झांसी। एक आदमी पर आप कितना अधिक प्रेशर डालेंगे, ज्यादा प्रेशर डालने से उस आदमी का दिमाग खराब हो जाएगा और वो क्रिमिनल बन जाएगा। झांसी ने इस वक्त जो कारनामा किया है उसे देखकर लोग कह रहे हैं जिस भारतीय नारी ने जन्म लिया है वो स्वयं चंडी का अवतार है। इस वक्त अगर मैं अपना अधिकार दिखाने जाऊंगा तो हमारा जो कमजोरियां हैं वो यहीं पर ओपन हो जाएंगी और रिलेशन क्लोज हो जाएगा। आई थिंक यू बेटर गो फॉर कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज? मैं लंदन, पेरिस, हांगकांग खरीदने वाला आदमी, आफ्टर ऑल एक औरत के सामने झुकूं? नो। अंडरवर्ल्ड माफिया का पूरा काम तुम संभाल रहे हो, फिर भी इधर आकर हजार बार चिल्लाते हो, उससे अच्छा उसे समझाता करो। कमिश्नर, वो आपके लिए एक मामूली लेडी होगी, लेकिन मैं एक पुलिस ऑफिसर और दोस्त होने के नाते ये सलाह दे रहा हूँ, ऐसे किसी भी शख्स को नहीं देखा। एक रात में पूरी सिटी को धोकर क्लीन करने का दावा करती हो, इम्पॉसिबल। उसके पास जरूर कोई एक ऐसा प्लान है जिसे हम नहीं जानते, वो ऐसी है कि उसे आग लगाकर भी नहीं जलाया जा सकता। आपके पास उसे भेजने की जिम्मेदारी मेरी है, आपकी बात को वो रिजेक्ट ना करे ये जवाबदारी मेरी है। अगर उसने हाँ कह दिया तो इससे बड़ी बात और क्या? क्या सोच रहे हैं? ओके। तुम्हारे अंदर इतना गट्स हो सकता है, ये मैंने पहले कभी भी नहीं सोचा था। तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुम्हें ऑफर करता हूँ। ये देखो, सदाशिव नगर में 100x100 का साइट है, ये ले लो। और ये देखो, ब्लैंक चेक बुक है, तुम्हें जितना चाहिए इसमें भर लो। ये मेरा एक नया गारमेंट फैक्ट्री है, उसका उद्घाटन करने मैं खुद जाऊंगा, ये सब तुम्हारे लिए है। जब मैं पैदा हुई तब से मुझे 6x3 फीट की जमीन विरासत में मिली है, इसलिए मुझे तुम्हारे साइट की जरूरत नहीं है। और तो और मैं अपने माँ बाप के लिए खुद कैश हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे चेक की जरूरत नहीं है। जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से मैंने इतने कपड़े पहने कि उतने तुमने भी नहीं पहने होंगे, इसलिए मुझे तुम्हारा गारमेंट फैक्ट्री भी नहीं चाहिए। फिर तुम मुझे क्या दोगे? मुझे जो चाहिए वो कि जिस तरह सब लोग मुझे देखकर सैल्यूट करते हैं ठीक उसी तरह तुम भी मुझे सैल्यूट किया करो। अगस्त 15 और जनवरी 26 को सैल्यूट लेने वाला ये पटेल तुम्हें सैल्यूट करेगा। आउट, गेट आउट। तुम मुझे अपनी जिंदगी से इतनी आसानी से नहीं निकाल सकते मिस्टर पटेल, क्योंकि मैं मुकेश आचार्य नहीं हूँ। मुकेश, तुम उसे कैसे जानती हो? वो तुम्हारा कौन लगता है? तुम उसकी बहन हो, बीवी हो या लवर हो? मैं उसकी जिंदगी थी। The steps according to the music, okay? Hello, sir. Tell me, how can I help you? Excuse me. बहुत अच्छा है, मैं रिलैक्स हो गया। यस मिस्टर पटेल, आपको मुझसे क्या चाहिए? तुम गाना गाना बंद कर दो, 2 साल तक तुम अज्ञातवास में रहो। तुम अपनी आवाज, सुर और ताल 2 साल के लिए मेरे पास गिरवी रख दो। कारण? तुम्हारी जगह गाना गाने के लिए ये पॉपुलर होना चाहिए, ये मेरी बहन का बेटा है। ये रहा ब्लैंक चेक, जितनी रकम चाहो तुम इसमें भर लो। सी यू। हेलो हेलो, जरा रुकिए, आप हैं कौन? आप जो कह रहे हो फाइनल है क्या? आप अपने आप को हिटलर समझते हैं? समझता नहीं हूँ। हाँ मैं हूँ। तो क्या आप मुझे डरा रहे हैं? यही मेरा काम है, लफड़ा करोगे तो नरक में जाओगे, होशियारी दिखाओगे तो बच्चे रहोगे। मुझे मालूम है तुम एक होशियार बच्चे हो और तुम मेरा काम करोगे, चलता हूँ।
मुकेश, 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 मुकेश। हैप्पी बर्थडे टू यू। आरसी पटेल यहाँ पर आया था क्या? तुम्हें तो 100 साल जीना चाहिए। तुम 2 साल तक गाना नहीं गाओगे ऐसा धमकी देकर गया है? वाओ, वंडरफुल। केक टेस्ट करके देखो। मैं कुछ पूछ रही हूँ तुम्हें कि I love you। मेरा दिल इतने जोर से धड़क रहा है, तुम्हें मजाक सूझ रहे हैं मुकेश? क्यों टेंशन ले रही हो? अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम तो मेरे साथ हो ना, मेरी जगह पे तुम मेरे लिए मेरा बदला लोगी ना? लो नेकलेस ले लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, इतना कुछ हो गया तुमने मुझे बताया तक नहीं, मैं उसे सबक सिखा कर रख देती। तुम ये सब काम करके अपना समय क्यों खराब कर रही हो? मैंने कमिश्नर से बात की है, वो सिक्योरिटी दे रहे हैं, और ये तो जरूरी नहीं है कि जो उसने कहा है वो सच है। तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम एक दूसरे के साथ हैं, इसमें इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कम ऑन यार, तुम्हारा और मेरा जन्म जन्म का साथ है।
ये स्वीट हार्ट, मैं बस 10 मिनट में आ रहा हूँ, तुम सब तैयार हो ना? ओके बाय। झांसी, मेकअप करने में इतना टाइम लगाती हो, जल्दी करो ना। आती हूँ। ओ व्हाट इज दिस यार, व्हाट झांसी, आज के दिन भी ये ड्रेस? आज से मैं तुम्हारी सिक्योरिटी हूँ, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। वाह, इतना प्यार मुझसे मत करो, तुम्हारे प्यार में सुस्त हो जाऊंगा, ऐसे तो मैं सचमुच मर जाऊंगा। जब तक खूब बेकार की बातें करते रहते हो, चलो। मुकेश मेरी जिंदगी हुआ करता था, जिसे तुमने मरवा डाला। अब रोने का वक्त तुम्हारा है, तुम्हारे अपनों से मैं तुम्हें जुदा कर दूंगी, तुम्हें भीख मंगवाऊंगी, और जिस हाथ से तुम भीख मांगोगे उस हाथ को मैं कटवा दूंगी। अगर तुम लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हो तो उसका ट्रांसफर झारखंड करवा दो। झारखंड क्यों? अरे बाप रे, वहां तो आज तक जो भी ऑफिसर गया है ना, वो लौट कर ही यहाँ वापस नहीं आया है सर। वो भी लौट कर नहीं आना चाहिए। क्यों पटेल जी, उसे छोड़ दीजिए, वो एक औरत है, जो करती है करने दो, वो जिधर जाती है शिव जी के लिए जाने दो। जब शिव जी यहाँ नहीं है तो फिर पार्वती का क्या काम, जाने दो उसे। आप ऐसा चाहते हैं तो ऐसा ही करते हैं, उसका ट्रांसफर कर देते हैं। पटेल जी क्या चाहते हैं तुम लोगों को मालूम पड़ा ना, उसको स्वर्ग में जाने दो, उसका ट्रांसफर कर दो। क्या झांसी, तुम्हें ये आर्डर मिलते ही अपने सीनियर को सैल्यूट किए बिना ही जा रही हो? सैल्यूट करूं? मौका दिया क्या मुझे? आप लोगों से क्या बात करूं? आप लोगों से तो अच्छा वो वैश्य जो धंधा करती है, वो अपने जिस्म के जरिए लोगों को सुख तो पहुंचाती है, अपने शरीर नुचवाती है, लेकिन आप लोग तो उससे भी गए गुजरे हैं। जो आदमी पैसा फेंकता है उसकी जी हजूरी में लग जाते हैं, उसकी हर बात को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सस्पेंड लेटर का ऑर्डर दिया है आपने, मुझ जैसे ईमानदार ऑफिसर की कोई कीमत नहीं, इसलिए सैल्यूट किसको करना है किसको नहीं ये पूछने का आपको कोई हक नहीं है। चलती हूँ। छी, ऐसी बात करके अपनी इज्जत कचरे में मिला लिया। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ दीदी, ओके मैडम। अपना ख्याल रखना। हाँ दीदी, ठीक है, ठीक है। बाय। संभल के जाना दीदी। जाइएगा दीदी। I'm sorry झांसी, सरकार ने तुम्हारा ट्रांसफर किया तो मुझे अच्छा नहीं लगा। हम लोग एक दूसरे के करीब आए, इससे पहले सरकार ने हम लोगों को अलग कर दिया। लोग कह रहे हैं कि तुम वहां से वापस नहीं आओगी। ये रख लो। झांसी, मैं मारने वालों में से हूं, मरने वालों में से नहीं हूं। ये हार अपनी लाश पे डाल लेना, तुम्हारे पुष्पतिथि के दिन मैं पूरे गांव को दावत दूंगा। अगर मान लो तुम वापस बचकर यहां आ गई तो मेरे पास चली आना,
मैं तुम्हें मारूंगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो ओके, मैं चलती हूँ। ठीक है दीदी। क्या कर रही हैं? कौन हैं आप लोग? इसको शाम तक के लिए सजा दी गई है, इसको कोई नहीं बचा पाएगा। आप कौन हैं? इसका बड़ा भाई। ये तीर्थ यात्रा पे गया हुआ था, इसके लिए झारखंड ने सजा दी है। झारखंड दादा है क्या? आपने बिल्कुल सही कहा, वही यहाँ का मंत्री है और वही डकैत है, कोई उसका कुछ भी कभी भी नहीं बिगाड़ सकता। इस गाँव में वही देवता है, उसी की ही चलती है। ये गाँव उसका है क्या? उसके सामने कोई मुंह खोलता है तो उसे जान से मार देता है। आप ये क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं आप? उसको अगर मालूम पड़ गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उसे मालूम पड़े इसलिए तो खोल रही हूँ, अंजाम बाद में देख लेंगे। झारखंड बाबा, मुझे इस बार कुछ ज्यादा पैसे चाहिए, मुझे अपनी बेटी की शादी करवानी है। मैंने भी प्लान किया था, तुमने भी प्लान किया हा? मगर वो शादी करके क्या करेगी हा? बच्चे ही पैदा करेगी ना, इसके लिए सब करने की क्या जरूरत है हा? रात को मेरे पास क्या क्या कहा? लेकर आ उसको। जैसा मैंने कहा है ना, अगर तूने वैसा नहीं किया ना तो जैसे बाघ हिरन को खा जाता है वैसे ही मैं तुझे। झारखंड बाबा, झारखंड बाबा, आपने मजाक करने के लिए जो पुलिस स्टेशन खाली करवाया था वहाँ पर एक औरत आकर पुलिस स्टेशन बना रही है, अब आप मजा कैसे करेंगे? ए वासु, यहाँ बड़े बड़े लोग आकर चले गए, वो क्या चीज है? वो महारथी है या मेरे साथ मजाक करने वाली महारथी? दिखने में तो धमाल लगती है और उसके साथ एक कमाल की चीज है। पटाखा है पटाखा। हे वासु, कल तुम लोग उधर मोर्चा लगा लो, खूब बैंड बाजा बजाओ ताकि लोगों को ये पता चले कि झारखंड बाबा आ रहा है। जाओ। रास्ता सजा दिया है और तुम्हें भी सजने के लिए कहा है झारखंड बाबा। मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ, तुम लोग जाओ जाकर उसको लेकर आओ, तब तक मैं श्रृंगार करके तैयार रहती हूँ। जाओ जाकर लेकर आओ ना उसको, मैं तब तक तैयार हो जाती हूँ। ठीक है चलो 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 चलो।
बंद कर। क्या श्रृंगार कर रहे हो तुम लोग? ये सब क्या हलकट? हलकट मुंह से ऐसी आवाज क्यों निकल रहे हो? कौन मर गया? आज आपकी पुण्यतिथि है ऐसा हम लोगों ने सुना है। क्या बोला रे हलकट? ए वसु, उठा ले इसको, इसको अपनी मिर्ची की फैक्ट्री में ले चल, इसके साथ बहुत मजा आएगा। क्यों, तुमसे कुछ नहीं होता क्या? हर काम के लिए तुम्हें चमचों की जरूरत पड़ती है, इसका मतलब तुम अपने बाप के नहीं हो, दूसरे की पैदाइश हो। ऐ! आज तक तुम जो भी हो इन सब की वजह से हो, आज तक अगर तुम जिंदा हो तो इन सब की कमजोरी की वजह से हो। इन लोगों को गुस्सा आ जाए तो तुम जैसों के औकात नहीं, लोगों के भीख पे पल रहे नीच इंसान हो तुम। चलने वाला बारूद अगर बंदूक में है तो लोगों के अंदर भी है, इसे छोड़ो, हिम्मत है तो मुझसे लड़के देखो। इन्हीं हथियार के दम पर तुम कमजोर और छोटे लोगों को डराते रहते हो ना, अगर वाकई तुम मत के बच्चे हो तो हथियार फेंक के मुझसे लड़ो, मैं भी देखूं तुम्हारे अंदर कितनी आग है, जीत गए तो जो मांगोगे मिलेगा। महारानी आ, आ। आदमी के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे ना? अगर वही ताकत तुम लोग अपने लिए इस्तेमाल करते तो इसका अंत कब का हो चुका होता। इसको ले जाओ यहाँ से। खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? ये वही आदमी है जिसने तुम्हारी माँ बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और तुम्हारे डर को अपना हथियार बना के तुम्हें डराता रहा, स्कूल को बंद करवा कर तुम्हारे बच्चों को पढ़ने नहीं दिया। मारो इसको। मैडम मुझे मत मारो, मैडम मुझे छोड़ दो, मैडम आज से मैं लोगों की सेवा करूंगा, तुम्हारी गुलामी करूंगा, मैडम मुझे बचा लीजिए। मैडम एक मिनट, एक बार बचा लीजिए, आज के बाद कोई ऐसा काम नहीं करूंगा, मैं भी एक अच्छे आदमी की तरह जिंदगी जीऊंगा। मैडम मुझसे गलती हो गई। इसे नीचे उतारो। ये लो जमीन के कागजात, इसे जला के राख कर दो। बहन
आज से हमारा ये गांव सिर्फ तुम्हारा है, मैं तुम्हारा भाई हूँ। सुनो, आज से यहाँ कानून का दिया जलेगा, हम सब लोग भाई भाई बनकर रहेंगे, भाई भाई बनकर। हेलो, हे, नो मीटिंग, नो कॉन्फ्रेंस, नो न्यू डीलिंग्स, टू हेल विथ एवरीथिंग। ए स्टूपिड, सब लोगों को मना कर दो, बिजनेस मेरा है, नुकसान होगा तो मेरा होगा रास्केल, सवाल मत करो, फोन रखो। वंस अगेन गवर्नमेंट की ओर से मेरा थैंक्स, एक और क्रिमिनल को मेरे पास भेजने के लिए। तुम मुझे उन लोगों के पास भेजते हो और वो लोग मुझे तुम्हारे पास भेजते हैं, ये सब क्या है? यहाँ अपने बेटे के गले में डालना जो आज जेल से छूट कर आ रहा है, और कोशिश करना कि वो सुधर जाए, समझ गए? सुनो, मरने के बाद मैं यही हार तुम्हारे गले में डाल के जाऊंगी। क्या हुआ, राहुल घर में नहीं आया? पता चला है उसे सुबह छोड़ दिया गया है, मगर वो घर नहीं आया, ये लेटर छोड़ के गया है। इसमें लिखा है कि उसे ढूंढने की कोशिश मत करना। और कहाँ गया होगा? जिस लड़की से प्यार करता है उसी के पास गया होगा। सुनिए सुनिए, यहाँ पे इंस्पेक्टर झांसी का घर कहाँ मालूम है? आगे से बाएं जाना, फिर उसके बाद दाहिने जाना, बस वहीं पर है। चित्रा, चित्रा, क्या हुआ चित्रा? मुझसे मुंह फेर कर जा रही हो तुम? तुम खुश नहीं हो मुझे देखकर? तुमसे मिलने के लिए मैं भागा भागा चला आया, हमें अब कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ए! मैं क्या चबूतरे का पहरेदार दिख रहा हूँ? इस गांव में हम औरत को देवी की तरह मानते हैं, और तुम उनके साथ बदतमीजी कर रहा है। कहाँ का रहने वाला है तू, बता? बैंगलोर से, आरसी पटेल का बेटा राहुल। ओहो, तू पटेल का बेटा है? अब मेरा एड्रेस, प्यार, मोहब्बत, सब कुछ यही है, इसके सिवा मुझे कुछ और याद नहीं है। ऐसा, जो प्यार करते हैं वो प्यार से भागते हैं? लगता है नई कहानी है, चल आगे बढ़ते हैं, चल। ऐसे कटिंग करना चाहिए, क्रॉस करके। आप कटिंग करने में होशियार हैं, ये मुझे आज ही पता चला। आप दुनिया भर को नीति और धर्म के बारे में बताती हैं, और खुद दो प्यार करने वालों को बीच में खड़ी हैं, दीवार बनके। कौन सा प्यार, कौन सी दीवार? मैं चित्रा और राहुल की प्रेम कहानी की बात कर रहा हूँ। राहुल, वो यहाँ पर आया है क्या? क्या चाहिए तुम्हें? चित्रा। नहीं दूंगी, कह दिया ना मैंने। मैंने आपके सामने सर झुकाया है, प्यार को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। किडनैप करोगे, उसे भगा कर ले जाओगे? नहीं, ये क्राइम होगा, प्यार से आपका दिल जीतना चाहता हूँ, अपनी मेहनत की कमाई से मैं चित्रा को पा कर रहूंगा। ए, मैं तुम्हें 15 दिन का टाइम देती हूँ, हार गए तो दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। मुझे मंजूर है। ये बात तुम्हारे माता पिता को भी पता चलना चाहिए, है कि नहीं? शराफत और जवाबदारी नहीं समझने वाले मेरे माँ बाप से मैं कुछ नहीं छिपाऊंगा। ओके। दीदी, मैं ठोकर खाकर गिर न जाऊं, इसीलिए आपने मुझे संभाला। ये सब क्या है दीदी, ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? बेहतर तो यही होगा जो मैं कह रही हूँ वो तुम मत सुनो, जो तुम्हारा दिल कहता वही करो। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है दीदी। कोई इंसान ऐसा भी होता है कि वो दूसरों की खुशी में अपनी जिंदगी गुजार देता है।
तुम्हारा क्या इंटेंशन है? तुम करना क्या चाहती हो बोलो। मैं नहीं, तुम्हारा बेटा कुछ करना चाहता है। इसके लिए उसने 15 दिन का टाइम मांगा है मुझसे, और मैं लड़की देने के लिए तैयार भी हो गई। अब लड़के की परीक्षा ले रही हूँ। शराफत से मैं लड़की को यहाँ लेकर आई हूँ। अब इसको आशीर्वाद देना आपकी जवाबदारी है। ए राहुल, ये सब क्या है? हमारी मान मर्यादा इज्जत सब कुछ नीलाम कर रहा है क्या? हमारी इज्जत मान मर्यादा का क्या वैल्यू है मुझे पता है। ए, एक 2% की लड़की के लिए मुझे सिर्फ प्रेम मोहब्बत यही चीजें समझ में आती है। नो, तुम इस लड़की के लिए मेरी इतनी बड़ी जायदाद को ठुकराना चाहते हो? ए, निकलो निकलो यहाँ से। इस घर की बहू बनने का सपना देख रही हो? निकलो यहाँ से। डरी बच्चे जब सही रास्ते पर जाना चाहते हैं ना, तो आप जैसे पिता उन्हें रोकना क्यों चाहते हैं मेरी समझ में नहीं आता है। मैं बेटा अच्छा हूँ, इंसान अच्छा हूँ, मेरा कैरेक्टर अच्छा है, लेकिन आप जैसे लोग इसकी अहमियत क्यों नहीं समझते हैं मुझे नहीं मालूम। आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ आपकी तरह से जीऊँ। मैं आपका पालतू कुत्ता नहीं हूँ, समझ गए आप? चलो। राहुल, राहुल, तुमको जिंदगी में कभी सुख नहीं मिलेगा। मेरी खुशियों को छीनने वाले तुम हो, मैं तुम्हें खुश कैसे रहने दूंगी? निकल यहाँ से। मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि तुम्हारे राहुल ने मेरी बहन को किडनैप करने की कोशिश की थी। चुपचाप मुंह बंद करके खड़े रहो, वरना तुम अपनी जाल में फंस जाओगे। पुलिस कभी भी अपना रंग बदल सकती है। क्यों, अब एक सैल्यूट कर दो मुझे। डैम यू। अरे क्या हुआ? सॉरी, इस तरह भागकर हम खुश नहीं रह सकते। मुझे लगता है हम लोगों को घर वापस जाना चाहिए, तभी कुछ होगा। वापस जाना बहुत आसान है, मगर वापस जाकर तुम मुझे कभी वापस नहीं पा सकती। अगर तुम चली गई तो मेरी लाश तुम्हें मिलेगी। I love you। अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो एक बार मुझसे कह दो, मैं तुम्हें टच तक नहीं करूंगा। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं तो कह दो, मैं तुम्हें पलट कर नहीं देखूंगा। आज अगर छू किया तो ये मौका हाथ से निकल जाएगा। मगर हम लोग जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ और खाएंगे क्या? अगर तुम मेरा साथ दोगी तो हम लोग झोपड़े में रहेंगे, अपनी जिंदगी गुजार लेंगे मजे से। अगर तुमने नहीं दिया साथ मेरा तो यही पर मैं अपनी जान दे दूंगा। चित्रा, याओ, अगर तुम्हें इतराज ना हो तो फिर हम यहीं पे अपनी रात गुजार लें। मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई आता जाता होगा। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ, मुझे थोड़ा वक्त दे दो। चित्रा, मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, मुझे छोड़कर मत जाना। तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। क्या दीदी, आपने तो पेट भर के खाना खा के अपने अच्छी तरह से हाथ भी धो लिए, क्या आपको चित्रा की याद नहीं आ रही? मेरे गले से तो निवाला नहीं उतर रहा। तुम अभी नए नए अच्छे इंसान बने हो ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन मैंने कलेजे पे पत्थर रखकर अपनी बहन की विदाई की, एक औरत बनकर उसे माँ का प्यार दिया, बहन बनकर उसे शराफत का पाठ पढ़ाया। आगे चलकर वो मजबूत बने, इसलिए आज मैंने उसे तकलीफ में डाला है। क्योंकि आगे चलकर उसे मेरे बगैर जीना पड़ेगा। दीदी, आप क्या हैं ये तो मैं आज तक आपको समझ नहीं पाया। गत पुराण छोड़कर मैं देवी पुराण में आई हूँ, समझ गए? मिला तो शादी का लड्डू है। ऐसे हैं ये आज के बच्चे, अपना काम निकालने के लिए वो लड़की के सामने कुछ भी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। वैसे आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? जो आपका घर छोड़कर गया है वो आपका बेटा है, बेटी नहीं। एक लड़की की इज्जत तो खराब हो सकती है, लेकिन आपके बेटे यानी किसी लड़के की नहीं। आप टेंशन मत लो, आप ये समझ लो आपके बेटे के लिए एक नया एक्सपीरियंस है। अगर आपका बेटा कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया हो तो उस लड़की की इज्जत नीलाम करवा देंगे।
एम सॉरी, आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। आज मैंने अपना पैंट शर्ट शूज सब कुछ बेच दिया, लेकिन कल मैं जरूर कुछ करूंगा। मुझे छोड़कर मत जाना प्लीज। एक्सक्यूज मी, तुम रो क्यों रही हो? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्यों मेरे लिए इतनी तकलीफ उठा रहे हो? मुझे भुलाकर आराम की जिंदगी जी सकते हो। पगली कहेंगी, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मेरे लिए ये सब कोई तकलीफ की बात नहीं है चित्रा। तुम सिर्फ एक बार मुझे हाँ कह दो, बस दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारी झोली में डाल दूंगा। अपने भूख की परवाह ना करके मेरा इतना ख्याल रखने वाले, तुम्हें प्यार करने के लिए दिल चाहिए राहुल, और हिम्मत भी। आई लाइक यू। तुम मेरे लिए इतनी तकलीफें उठा रहे हो, अगर मैं तुम्हें ना कह दूं तो ऊपर वाला मुझे माफ करेगा क्या? आई लव यू राहुल, आई लव यू। Oh,
चित्रा, 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 कहाँ चली गई थी तुम? मैंने तुमसे कहा था ना राहुल, मैंने तुमसे कहा था ना मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा हमेशा के लिए, फिर ये सब क्या है? तुम्हें क्या करना है तुम करो, तुम्हें कौन रोकेगा? लेकिन मेरी तरफ से गिफ्ट है, तुम रोज काम करते हो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन उसमें भी एक स्टेटस होना चाहिए। तुम्हें मुझे जीतना चाहिए और मेरा हाथ थामे रहना चाहिए। तुम जिस लड़की से प्यार करते हो वो लड़की तुम्हारे लिए क्या कर सकती है पता है? खुद को बेच देगी, लेकिन तुम्हें तकलीफ नहीं आने देगी। मैं ये सब कुछ नहीं देख सकती। अरे रंगा। हाँ माजी। तुम लोग यहाँ कहाँ? आज चित्रा का जन्मदिन है इसलिए हम लोग उसके नाम की अर्चना करने आए हैं। मेरा बेटा बहू कहाँ है पता है तुम लोग को? चित्रा इस वक्त आपके बेटे के पास नहीं है, वो मेरे पास आ गई है। वो आपके बेटे के मुंह पर थूक कर चली आई है। आपका बेटा अपना मुंह छुपाने के लिए घर लौट आया होगा, जाकर देखिए। क्या दीदी, आपने इस बेचारी को झूठ क्यों बोला कि चित्रा घर वापस आ गई है? बेचारी की क्या बात है, ये ऐसे माँ बाप है जो अपने बच्चों की परवाह ना कर सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। ये औरों का खून चूस कर दूसरों की जायदाद लूट कर अपने बच्चों के लिए जायदाद तैयार करते रहते हैं। चलो पूजा करते हैं। चित्रा। हाँ? दीदी। जन्मदिन मुबारक। थैंक यू। हम लोग यहाँ पर है तुम्हें कैसे पता? जब से तुम घर छोड़कर गई हो मेरी नजर तुम्हारा पीछा करती है। तुम दोनों कहाँ हो, कैसे हो, किस हालत में हो, हर बात की खबर तुम्हारी दीदी रखा करती है। कितने लीटर दूध सब? फुल टैंक। मैडम मैडम देखिए मेरे पेट्रोल पंप को बचा लीजिए, मैं आपकी अच्छी देखभाल करूंगा। मुझे देखने के लिए मेरे माँ बाप दोस्त सहेली लाखों लोग हैं, तुम क्या देखोगे? मुझसे रिश्ता बनाना चाहता है, मेरा हाथ पकड़ना चाहता है? ले पकड़। ये बात नहीं है मैडम। तुम लोग पेट्रोल में मिलावट करते हो, तुम्हारे जैसे लोगों का सर मुड़वा कर चौराहे पे बिठा देना चाहिए, 20 सड़क पर गोली मार देनी चाहिए। पर्यावरण बचाव का नाटक करके तुम लोग दिखावा करते हो। ले चलो। चल This is really surprising. Rahul, I'm sorry dear. तुम यहाँ काम करते हो और मुझे पता ही नहीं था। अरे ये तो राहुल है। Sorry Rahul, बेइज्जती नहीं करूँ but I can't help you. मैंने सुना है कि किसी क्लब या डिस्कोथेक में डीजे की नौकरी खाली है। कौन सा डिस्को है? तो भाषा में मिलावट है, नाम में मिलावट है, सब कुछ में मिलावट है, बट उसका नाम याद नहीं आ रहा है। क्या नाम है? राहुल? राहुल। लेट्स गो। ये लोग हमें चैन से जीने नहीं देंगे। हम खुशी से जीने वाले, हम दोनों पति पत्नी नहीं है, हम लवर्स हैं। अगर हम दोनों से एक भी गलती हो जाए तो हम इतिहास में नहीं मिल पाएंगे। हमें अगर साथ रहना है तो ये सब सहना होगा। गुस्सा संसार को मिटाता है और जानते हो राहुल, प्यार संसार को बसाता है। जितना भी इन चीजों से भागने की कोशिश करेंगे, इन सारे लोगों को हमें प्यार से जीतना होगा। राहुल, चित्रा, तुम्हें जो छीनने की कोशिश करेगा उसकी मौत निश्चित है। आज से मैं दूसरी नौकरी ढूंढता हूँ, आता हूँ। आप उसे भूल जाइए अंकल,
ही इज गॉन फॉरएवर, वो नहीं आएगा वापस। मुझे समझ में नहीं आता तुम क्या चाहती हो। झारखंड, मैंने जो खाना खाया ऐसा लगता है मैंने गोबर खाया है। चित्रा को घर से गए हुए 4 दिन भी नहीं हुए अभी, और आपने उसकी जिंदगी में ऐसी आग लगा दी। पटेल की नजर आप पर है, आपने उस पेट्रोल पंप को सील करके राहुल को बेकार कर दिया। आप देखिए, आप वहां गई जहां चित्रा रहती है, आपको वहां जाते हुए जरूर किसी ने देखा होगा, सूंघते हुए पहुंच गए होंगे। अब उसे तकलीफ होगी आपकी छोटी सी नादानी की वजह से। आज हमारी चित्रा किसी मुसीबत में आ जाएगी। देखिए मेरी बाइयां फड़क रही है, आज जरूर कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ होने वाला है, जरूर कुछ होगा, जरूर कुछ होगा, मैं कह रहा हूं। यही है क्या वो लड़की? हाँ सर, इधर रहकर ये धंधा करती है। इस अड्डे को तो इसने, ये देखो साहब, बिल्कुल घर जैसा बना के रखा है। कोई मर्द नजर नहीं आ रहा? ये बिजनेस करती है, इधर कौन रहेगा? बिजनेस के नाम पे धंधा, यहाँ कौन रहेगा? सब आते जाते रहते हैं। ए, क्या नाम है तुम्हारा? चित्रा, झांसी की बहन। तू हमें रोकने के लिए एक ऑफिसर का नाम ले रही है जिसे हम लोग सलूट मारते है। नहीं नहीं, मैं सच में उसकी बहन हूँ। ए, क्या सही है? ए, इसकी साड़ी खोलो। ए हवलदार, इसकी साड़ी खोलो। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। छोड़ दो उसे, छोड़ दो, मैंने कहा छोड़ दो उसे। राहुल, छोड़ दो उसे। क्या है रे, यही है क्या तेरा ग्राहक? सही वक्त पे आए हो तुम। इसे मैं प्यार करता हूँ, इसे छोड़ दीजिए। इसके गले में मंगलसूत्र नहीं है, पैरों में बिछिया नहीं है, ये तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती है? भेजा है। आप क्या कर रही हैं मैडम, आपने ही तो भेजा है। बकवास बंद करो, सच्चाई बता। आपने ही तो कहा था कि यहाँ पर कोई भी नहीं रहता, जाकर मेरी बहन को डराओ धमकाओ और उसे मारो। राहुल अगर बीच में आए तो उसके हाथ पैर तोड़ दो, आप ही ने तो कहा था मैडम। अबे औरकट, क्या बकवास कर रहा है तू? स्टॉप इट, बंद करो अपना नाटक। जिंदगी भर आप लोग हमारी परीक्षा लेते रहोगे, तब भी हम दोनों को अलग नहीं कर पाओगे। आप लोग हमें तभी पास और फेल करोगे जब हम लोग कोई परीक्षा देंगे। मिस झांसी, हम दोनों पास हो गए। देखो चित्रा,
अपनी दीदी की असलियत को अच्छे से देख लो। अब इन्हें अपने दिल से निकालो और चलो मेरे साथ। रुको, तुम दोनों को अलग करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मेरी बहन की इज्जत के साथ खेलकर इसे घर पे बिठाने का इरादा है इन लोगों का। तुम्हारे बाप की प्लानिंग है। इन सब के पीछे सिर्फ तुम्हारे बाप का हाथ है। ये पुलिस वाले नहीं, गुंडे हैं। देखो इनके बैच कहाँ हैं? एसपी, एसीपी, एसआई होते तो पोस्ट के मुताबिक कोई तो बैच होता। कहाँ है? प्यार करना बड़ी बात नहीं, मगर प्यार को निभाना, उसकी गहराइयों को समझना बड़ी बात है। इसलिए मैंने तुम दोनों को प्यार की गहराई समझने के लिए दूर करने की कोशिश की। तुम्हारा बाप तुम्हें वापस बुलाने के लिए मेरी बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहता था। इतना कुछ होने के बाद भी तुम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अगर मैं तुम्हारे बाप के भरोसे अपनी बहन को तुम्हारे घर पर छोड़ देती तो जो आदमी बाहर ऐसी हरकत कर सकता है, वो घर में इसे छोड़ देता क्या? स्टॉप इट। अगर मेरा बाप ऐसा करने की कोशिश किया तो जिंदगी भर आपके सामने नहीं आऊंगा, और अगर ये गलत निकला तो आपको मारकर मैं चित्रा की परवरिश करूंगा। चित्रा, तुमने मुझसे कहा था ना, अगर हम दोनों में से कोई एक भी कभी अगर गलत साबित हुआ तो हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। अब हम दोनों आगे एक हो पाएंगे या नहीं मुझे मालूम नहीं है। चित्रा, मैं अपने प्यार को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। अब इन लोगों का क्या करना दीदी? इन लोगों को जलाकर राख करो। अरे चलो, आज तुम लोगों को जला के मैं तुम जैसे जालिमों का अंत करता हूँ। गलती हो गई भाई साहब, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। आजा चल, तुझे माफ करता हूँ। हाथ तो सही। टिल दिस टाइम डबल एक्शन शुड बी टेकन ऑन दिस कंसर्ट फॉर्म। डैडी, मुझे आपसे बात करनी है। गो एंड वेट आउटसाइड, आई विल जॉइन यू टू हेल्प विद योर बिजनेस। ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, आपसे बात करनी है मुझे। राहुल, लिसन टू मी। हे, व्हाट इज दिस? राहुल, माँ, एक मिनट। माँ के अलावा मैं किसी और भगवान को नहीं जानता हूँ। आप कसम खा के कहिए, चित्रा की इज्जत खराब करने के लिए आपने ही पुलिस के वेश में गुंडों को भेजा था ना? सच कहिए। मैंने? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पहले भी तुमने कई लड़कियों के साथ ऐसा किया है, मैंने कभी दखलंदाजी की? आप चलती हुई हवा को रोक नहीं सकते, इसलिए आपने मुझ पर हाथ उठाया। Stop it, damn it! मैंने ये सब कुछ नहीं किया है। अगर मुझे ये सब करना होता तो कब का कर चुका होता। You know your father well. लेकिन आप अपने बेटे को नहीं जानते। मैं प्यार से बेखबर था, दिल नाम की किसी चीज से मैं बेखबर था। आपके इशारों पर हमेशा नाचने को तैयार था मैं, कुछ नहीं जानता था मैं। Just tell me the truth, otherwise I'll kill myself. Hey, ये क्या बचपना कर रहे हो? मैंने भी वही किया है जो औरों के माँ बाप करते हैं। हमारे पास दौलत है, शौहरत है, एक दो टके की लड़की के साथ तुम रोड पर घूमो ये मैं नहीं देख सकता। Hey, मैं तुम्हारी अच्छाई चाहता हूँ। दौलत, प्रेम, मोहब्बत जैसी चीज आपके लिए कोई मायने नहीं रखती है। एक मारवाड़ी सेठ की तरह जीना जानते हैं बस, और कुछ नहीं। दौलत, यही बस आपके लिए सब कुछ है। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है आपने उसे क्या दिया है सोचिए। जिसने मुझे प्यार दिया आपने मुझे उससे अलग किया। सिर्फ यही सीखा आपसे कि किस तरह से पैसा लुटाकर खुशी खरीदो, लड़कियों के साथ बाहर जाओ, नाचो, ऐश करो, बस और कुछ नहीं। प्यार को खरीदना सिखाया आपने, प्यार को हमेशा पैसे के तराजू में तोला आपने, चाहे वो मेरी माँ का प्यार क्यों ना हो। मगर मुझे मेरा प्यार चाहिए, मेरा प्यार जो मुझे बाजार में नहीं मिलेगा। ये आप नहीं समझेंगे, लेकिन मैं प्यार के अलावा और कोई दुनिया नहीं जानता हूँ। लेकिन आज आपने ये हरकत करके मेरे प्यार को मार दिया है। क्या एक बाप अपने बच्चों को यही देता है? मुझे वो दिल नहीं चाहिए जिसमें प्यार ना हो। मैं उस दिल को खत्म कर दूंगा हमेशा के लिए। प्यार ही मेरी दुनिया है डैडी, और प्यार के बिना मेरी दुनिया बिल्कुल खाली है। और मेरी दुनिया बर्बाद करने के लिए थैंक्स। इससे बढ़िया तोहफा एक बाप अपने बेटे को क्या दे सकता है बताइए। वेरी नाइस ऑफ यू डैड, कीप इट अप, वेरी नाइस ऑफ यू, कंग्रेचुलेशंस डैड। मुझे दुनिया छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए शुक्रिया। मैं चाह रहा हूँ, चाह रहा हूँ मैं। प्रीति के बगैर जीना भी ये कोई जीना है। आप उसे जीने नहीं दोगे और उसके बिना मैं जी नहीं सकता हूँ। गुड बाय डैड, गुड बाय। क्या हुआ बाबा? अपनी चित्रा के साथ। क्या हुआ, क्या कह रहे हो तुम? भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है, उसके आगे कुछ नहीं। राहुल के साथ भी वही हुआ, राहुल ने अपने आप को शूट कर लिया, उसने अपने आप को। क्या कह रहे हो तुम? मैं सब सच कह रहा हूँ, अब अपनी चित्रा का।
चिंता क्या कर रही हो तुम? अब वही नहीं रहा तो मैं जिक्र क्या करूंगी? आखिर आपने हम दोनों को मिलने नहीं दिया ना, उसकी जान लेकर ही दम लिया। किसको पता था ये सब हो जाएगा? मैं तो तुम दोनों के प्यार की परीक्षा ले रही थी। कल ही तो मैंने तय किया कि तुम दोनों इसमें पास हो गए हो। अब तुम्हारा क्या होगा चित्रा? क्या होगा तुम्हारा? जाओ, मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगी। जाओ जाओ। चलो चित्रा, शायद तुम्हारे जाने से ही उसकी जान वापस आ जाए। चलो चलो। हेलो डॉक्टर साहब, मैं इंस्पेक्टर झांसी बोल रही हूँ। काफी बॉटल्स खून की जरूरत पड़ेगी, एक आदमी की जान बचाई है, इंतजाम हो जाएगा क्या? हाँ दीदी, आप सिर्फ हुकुम करो, खून की नदियाँ बहा दूंगा। आप सिर्फ ये बताइए कौन से हॉस्पिटल में आना है। ए दीदी, आप बताओ हमें खून लेकर कहाँ आना है। झांसी, मुझे माफ कर दो। देखो मेरा बेटा, प्लीज प्लीज सेव हिम, प्लीज प्लीज प्लीज। आई रुक जाओ, आप क्या लेने आए हो? इसलिए तो नहीं आए हो यहाँ? अगर वो बच गया है तो उसे मार डालेंगे। जहाँ से इन्हें इधर क्यों लाई हो? ये भी कोई बाप है? अरे हमारे पास ऐश्वर्य दौलत है, इसलिए जिंदगी को मौज मस्ती में गुजार दिया, कभी बच्चों को प्यार दिया है तो अपने को प्यार कैसे मिलेगा, ये नहीं जानते तो। देखो इन लोगों को देखो, तुमने अपने बेटे को पीने के लिए ब्रांडी दी, लेकिन इन्होंने अपना खून दिया है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसकी जान बचाने के लिए। इन सब लोगों ने तुम्हारे बेटे को पुनर्जन्म दिया है। धन दौलत कुछ काम नहीं आता, प्यार प्यार जिंदगी में काम आता है। इन सब लोगों को अपने पैसे से खरीदने वाले तुम कौन हो? इन्होंने तुम्हारे बेटे को पुनर्जन्म दिया है, इनकी जगह खाली करो। तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं इनको, इनकी जगह इनको वापस दे दो। प्यार के लिए जगह होती है, नफरत के लिए नहीं। चले जाओ यहाँ से। जानकी, अब बस भी करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो तुम लोगों का प्यार चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए, शिक्षा शिक्षा मिल गई मुझे। सुनिए, आपस की बहसबाजी बंद करके बच्चे के बारे में सोचिए, राहुल बहुत सीरियस है। डॉक्टर, इंस्पेक्टर झांसी, अगर आधा घंटा भी फोन करने में देर होती तो हम शायद राहुल को नहीं बचा पाते। ही इज वेरी लकी, दो तीन घंटे में उसे होश आ जाएगा, फिर आप लोग उसे मिल सकते हैं। इट्स ओके। इतना बड़ा जो साहस दिखाया है, उस साहस ने आज सबको एक कर दिया। राहुल,